नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस वक्त ये खबर आप देख रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस जबरदस्त मंथन कर रही है बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में। फैसला लेने जा रही है, एक बड़ा फैसला जो बिहार में आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य को तय करेगा और कहीं ना कहीं महागठबंधन के भविष्य को लेकर भी संशय समाप्त कर देगा। ये तो आपने सुन लिया ना, थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दी थी कि भगतचंद दास ने स्पष्ट कर दिया कि अब महागठबंधन में आगे बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। दो दो अल्टीमेटम उनके हैं दिए हुए हैं, एक अल्टीमेटम फेल हो गया, इसकी वजह से प्रत्याशी उनको कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह से उतारना पड़ गया। और दूसरा अल्टीमेटम उन्होंने दिया कि 16 तारीख तक, जब अंतिम नामांकन वापस लेने का तिथि है, उस दिन तक तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी को कुशेश्वर स्थान से हटा लें। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो गठबंधन को छोड़कर कांग्रेस बाहर हो जाएगी और इस परिस्थिति के लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तेजस्वी यादव जिम्मेवार होंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर किस आधार पर ये कह रहे हैं आप, कांग्रेस का वोट बैंक क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक नहीं होता तो लालू यादव या तेजस्वी यादव सीएम बनने का सपना नहीं देख रहे होते, केवल उनके दम पर सरकार नहीं बन सकती है। और अगर पिछले चुनाव में हम अगर लड़खड़ाए हैं तो इसका घाटा किसको हुआ है? आने वाले समय में उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को अगर सीएम बनना है तो हमारे साथ बने रहना ही उनके लिए सबसे बेहतर माने उपाय होता, और ऐसी स्थिति में जब वो हमारे साथ नहीं है, यानी इस उपचुनाव में हमारे खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो हमें उनकी मंशा पर भी शक हो रहा है। ये गठबंधन धर्म का तो पालन है ही नहीं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे कि वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस तरीके से बिहार में फिलहाल मामला फंस गया है महागठबंधन का, महागठबंधन का भविष्य बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक और बात की, भगतचंद दास ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनना है और इस महागठबंधन को बचाए रखना है तो उन्हें कुशेश्वर स्थान से अपना प्रत्याशी हटा लेना चाहिए, ये हमारी तरफ से उनको राय होगी, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो हम अपने प्रत्याशी को तो लड़ाएंगे ही, दोनों सीट को जमकर जीतेंगे भी, और कहीं ना कहीं महागठबंधन तोड़ेंगे और साथ ही साथ तेजस्वी का सीएम बनने का सपना भी चकनाचूर कर देंगे। एक पत्रकार ने उनसे जब ये पूछा कि क्या तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव के बाद ये अपवाद है, इसके बाद रिश्ते हमारे खराब नहीं रहेंगे, ये बस एक चुनाव है, उपचुनाव में ऐसा होता रहता है, भगतचंद दास ने साफ तौर पर कह दिया कि ये फ्रेंडली फाइट नहीं है, हम चुनाव जीतने के लिए और तेजस्वी यादव को हराने के लिए वहां से उतर रहे हैं। इससे पहले बिहार के जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के अखिलेश सिंह, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि दोनों सीटों पर जीत को लेकर ही चुनाव उतरी है कांग्रेस और जीत को लेकर सुनिश्चित है और सारे दाव चलने जा रही है, और उनके रडार पर सबसे बड़ा टारगेट कोई है तो वो तेजस्वी यादव ही है। यानी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट है, लालू यादव चिराग पासवान के कार्यक्रम में राहुल गांधी का हाथ पकड़ते नजर आते हैं, सहृदयता नजर आती है, लेकिन इन सब के बीच बिहार में कांग्रेस के प्रभारी भगतचंद दास ने दो बड़े घोषणाएं कर दी हैं, एक कि तेजस्वी यादव को अपने प्रत्याशी को बाहर करना होगा कुशेश्वर स्थान से, और दूसरा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार में कांग्रेस के साथ आपको तेजस्वी यादव दोबारा नहीं दिखेंगे, ना ही वो बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी को बाहर करेंगे। इस सवाल के साथ आपको छोड़ देते हैं, अगली खबर में मुलाकात करेंगे जल्दी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।